हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। अभी नवरात्रि का समय है, अधिकतर लोग फास्ट रखते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए व्रत का पराठा लेकर आई हूँ। यह कुट्टू के आटे का पराठा है, इसे इंग्लिश में बकव्हीट भी कहते हैं। यह एक हेल्दी सुपर फूड है। आप इस पराठे को सिंघाड़े के आटे में भी बना सकते हो। इसे व्रत में जरूर बनाइए। कैसा लगा कमेंट जरूर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एक कप ये कुट्टू का आटा है और ये दो आलू है, मैश कर ली हूं। हाफ कप मूंगफली है जिसे मैंने रोस्ट करके पीस लिया है। दो हरी मिर्च चॉप्ड है, धनिया पत्ती है, हाफ टी स्पून जीरा, साबुत जीरा है, काली मिर्च पाउडर है हाफ टी स्पून। इन सब चीजों से आपको बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और मैंने सेंधा नमक का यूज कर रही हूं 1 टी स्पून। बस इसको सभी को अब गूंथ देना है। ये पराठा काफी टेस्टी बनेगा, व्रत में खाने में ये काफी अच्छा लगेगा। मैंने एक नींबू का रस लिया है, इसी तरीके से आप इसे गूंद लीजिए। अगर पानी की आवश्यकता होगी तो फिर पानी भी देंगे। ये अच्छी तरीके से मिल गया है, अब मैं इसमें पानी दे रही हूँ। धीरे धीरे करके पानी दीजिए। जैसे आप आटा लगाते हो बस उसी तरीके से इसे भी गूंदना है। और पानी देना होगा। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से एक मुलायम डो तैयार कर लीजिए। इसे मैं गूंध ली हूँ। अब इस पर मैं 2 चम्मच देसी घी का यूज करूँगी। मैं कुट्टू का आटा यूज कर रही हूँ, आप इसे सिंघाड़ा के भी आटा में बना सकते हो जो व्रत में खाया जाता है। तैयार हो गया है, अब मैं इसे बेल कर पराठा सेक दूंगी। अब मैं इसकी लोई बना लेती हूँ। थोड़ी बड़ी साइज की बनाइए। मैंने एक प्लास्टिक ले लिया है और इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पोंछ लिया है। और ये जो मैं लोई बना रही थी, देखिए इसे अच्छे तरीके से आप लोई बना लीजिए और इसको इस पर रखिए। आप कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं और इस तरीके से इस पर रखिए। और बेलन से भी आप बेल सकते हो और नहीं तो किसी कोई ढक्कन ले लीजिए और इस तरीके से इस पर डालिए और दोनों हाथों से इस पर प्रेशर डालिए। देखिए, अगर आप कुछ और पतला चाहते हो तो थोड़ा और प्रेशर डाल दो। ये मेरा गोल रेडी है पराठा। अब मैं इसे सेक लेती हूँ। तवा मेरा गरम हो गया है, मेरा नॉनस्टिक पैन है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे डाल दीजिए और गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखिए। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप बेलन से भी आप बेल सकते हो। मैंने फिर इसी तरीके से देखिए लोई को डाल दिया है, अब इस पर बेल रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा ओवल शेप में हुआ और प्लेट से आप करते हो तो बहुत इजीली गोल तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब मैं इसे पलट ले रही हूँ। एक साइड से सीख गया है, अब दूसरे तरीके से दूसरे तरफ से सेक लूंगी और इसे मैं देसी घी में बनाऊंगी। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी से, बटर से, आप किसी चीज से भी सेक सकते हो। इस तरीके से आप करारा सेक लीजिए। सीक गया है, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब मैं दूसरा पराठा डालती हूँ, उसे भी करारा सेक लीजिए। पराठा मेरा रेडी है, इसे आप गर्म गर्म खाइए। इसे आप ब्रेकफास्ट या डिनर में भी आप खा सकते हो।